देहरादून नगर निगम अवैध अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहा है, जिसे लेकर सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल ने आवास विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल को ज्ञापन सौंपा। दरअसल सोमवार रात आमवाला तरला में नगर निगम ने कार्रवाई की थी, जिस पर कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा सोनी ने नगर निगम के ऊपर नियमों की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं ज्ञापन लेने के बाद विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने संज्ञान लेने का आश्वासन दिया है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लोगों को बेघर किया जा रहा है, उनके सर से छत छीनी जा रही है, और ना सिर्फ इसमें बच्चों की अनदेखी हो रही, महिलाओं की, बुजुर्गों की अनदेखी हो रही है। कल रात भी आमवाला तरला में 70 से ज्यादा लोग खुले आसमान के नीचे भरी बरसात में उनको रात गुजारने के लिए मजबूर किया गया। इस वक्त बिना नोटिस के उनको हटाया गया है। तो मुझे लगता है कि जो विषय उनके उनके द्वारा मेरे संज्ञान में लाया, तो एक बार मैं इसकी जानकारी लूँगा। निश्चित रूप से यदि जमीन नगर निगम की है तो ये विषय दूसरा हो जाता है, और यदि उन्होंने नोटिस नहीं दिया तो ये विषय दूसरा हो जाता है। तो सारे विषय की जानकारी मैं लूँगा, उसके बाद जो भी कार्रवाई इस पर करनी हो।